ये कहानी कहानी जहाँ पर लोग जहाँ पर लोग दुनिया में कंफ्यूज है इसीलिए इसीलिए आगे आगे आना पड़ा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आप सभी देख रहे हैं टेक टाइम चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सैमसंग का सबसे पॉपुलर ए सीरीज का फोन आ चुका है जिसका नाम है सैमसंग A55। दोस्तों इसका लुक और डिजाइन देखिए ग्लास बैक के साथ आता है। मेटल फ्रेम यानी इसका साइड मेटल का है और जो इसका डिस्प्ले है उस पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है और जो इसका बैक है उस पर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है और ये 213 ग्राम्स का है। अब दोस्तों इसके चलिए डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले 6.6 इंचेस फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। दोस्तों अब चलिए इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे आता है टाइप सी पोर्ट, उसके दोनों साइड में है माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन के बीच में ही टाइप सी पोर्ट है। नीचे ही लेफ्ट कोने में स्पीकर ग्रिल दी गई है, राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ की बटन और वहीं आप ऊपर की साइड देखेंगे तो सिम के टूल है और वहीं आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा। यानी इस फोन में तीन माइक्रोफोन है। अगर आपको कतई जहर और खतरनाक गेमिंग चाहिए तो उसके लिए इसमें लगा है एक्जिनोस का 1480 प्रोसेसर जो कि 4nm पे बेस्ड है और यहाँ पे रैम LPDDR5X रैम है और जो कि UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज के साथ आती है। और दोस्तों यही अगर आपका गेमिंग सेशन अच्छा चले उसके लिए 5000 mAh की बैटरी विथ 25W चार्जिंग और दोस्तों इसका अंतिम स्कोर 7,25,000 के पास जाता है। ये फोन One UI 6.1 के साथ Android 14 पे आता है। आपको इसमें 4 साल के OS अपडेट मिलेंगे, यानी आपको Android 14 मिला है तो 15, 16, 17, 18 तक Android अपडेट मिलेंगे और वहीं आपको 5 years का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा और ये फोन IP67 के रेटिंग के साथ आता है। दोस्तों इस फोन में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है, VoNR का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट है, Dolby Atmos का भी सपोर्ट है और दोस्तों ये फोन 5G है। और दोस्तों यही अगर आप इसके कैमरा के बारे में बात कर लेंगे तो दोस्तों बैक में जो रियर कैमरा है, जो मेन कैमरा होता है वो है 50 मेगापिक्सल का, उसके बाद 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। हाँ, सैमसंग में ये 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रही है तो ठीक है क्योंकि सैमसंग का फोटो अच्छी आते हैं, लेकिन हाँ 5 मेगापिक्सल क्यों दे रहे, थोड़ा अच्छा देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यही बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल के साथ आता है। और दोस्तों अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं तो बैक में 4K 30fps आता है और फ्रंट में भी 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो अब चलिए इस फोन के कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फोन 5G है और इंडिया में जितने भी 5G के बैंड्स काम करते हैं वो सारे बैंड्स ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये फोन डुअल 4G मोड के साथ आता है, ब्लूटूथ 5.3 है और वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है। इसमें ये खास बात है कि ये eSIM भी सपोर्ट करता है। दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट्स के साथ आता है, पहला है 8GB रैम 256GB स्टोरेज जो कि है 39,999 रुपीज का और वहीं आप दूसरी साइड देखेंगे तो 12GB रैम 256GB स्टोरेज वो है 42,999 रुपीज का। दोस्तों इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है जो कि या तो आप दो सिम लगाइए या तो एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा लीजिए। तो बस आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार कंटेंट के साथ।